बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां पर जनपद हल्द्वानी जिलाधिकारी कार्यालय में प्रत्येक बुधवार को जन सुनवाई कैंप आयोजित किए जाते हैं। बुधवार को जन सुनवाई में करीब 12 बजे पहुंचे कई फरियादी खाली हाथ वापस बेरंग लौट गए हैं, क्योंकि जिला अधिकारी मौजूद ही नहीं थे, जिनके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह डीएम कैंप कार्यालय पहुंची और फरियादी हरीश शर्मा का ज्ञापन लिया है और समस्या से निजात दिलाने की बात भी कही। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। चमटा, डॉक्टर अंबेडकर मिशन एंड फाउंडेशन उत्तराखंड का प्रांतीय अध्यक्ष हूं और आज हमने एक ज्ञापन जो है भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को, समाज कल्याण मंत्री को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जी को, चेयरमैन को बनाया था। हम जिलाधिकारी के आज कैंप ऑफिस में गए, चूँकि जिलाधिकारी द्वारा जो है हर बुधवार को कैंप ऑफिस रखा गया है और हम गए तो वहाँ पर बताया गया कि वो मीटिंग में चले गए। चलो ठीक है, मीटिंग में उनकी ड्यूटी है शासन प्रशासन से, उनके बदले वैकल्पिक व्यवस्था कोई नहीं की गई और यहाँ पे उनका स्टाफ बैठा हुआ है और लोगों को बताया भी जा रहा है, चूँकि जिलाधिकारी महोदय नहीं है, लोग उन्हीं से मिलने आते हैं, बाकी अधिकारी अपने ऑफिस में तो अवेलेबल रहते हैं, तो इस वजह से उनको बताया जा रहा है। इसके अलावा भी जो भी अपनी यहाँ पर जो शिकायती प्रार्थना पत्र लाया है उसके लिए अंदर स्टाफ बैठा है, वो ले रहा है और मैं भी आई हूँ और इनका जो ज्ञापन है ये मैंने ले लिया है, जो मैं जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगी। हमारी लंबी परिक्षेत्र की ग्राम सभा है, बहुत बड़ा परिक्षेत्र है ग्राम सभा का, जहाँ आम दिन में मतलब जंगली जानवरों का खतरा बिल्कुल आए दिन बना रहता है। बड़ी मुश्किल से पिछले वर्ष 21 मार्च 2022 को एक महिला को बाघ ने मार भी दिया था। काडूधाम से 10 किलोमीटर ऊपर हमारा जो भदूनी गांव है, वहां से 3 किलोमीटर ऊपर जो है, ये लेटर लेके आए हूँ, मेरी ये समझ नहीं आ रहा है रिसीविंग किसको।